और दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और दादाजी का अखबार। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का अखबार। दादाजी, आप सवेरे सवेरे किसका इंतजार कर रहे हैं? अखबार का। वो तो अखबार वाला डाल गया। कहाँ है वो? मुझे पढ़ना है। उस अखबार का तो मैंने किताबों पर कवर चढ़ा लिया। नहीं, बिना अखबार पढ़े मुझे खाना हजम नहीं होता। दादाजी, क्या आप इन किताबों पर चढ़े हुए अखबार को नहीं पढ़ सकते? ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट एरिगन से मुलाकात की। दोनों नेताओं में 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। बाकी पृष्ठ 6 कलम पर। पिंकी, पृष्ठ 6 कहाँ है? वो तो मेरी गणित की किताब पर चढ़ा है, जिसे भिक्कू मांगकर ले गया है। ओह, अब क्या होगा? मैं ये खबर पूरी पढ़े बगैर नहीं रह सकता। मैं भिक्कू के घर जाकर गणित की किताब पर चढ़े पृष्ठ 6 को पढ़ लेता हूँ। मैं ये बताकर कि भिक्कू अब तक वो किताब लेकर स्कूल चला गया होगा। दादाजी का दिल तोड़ना नहीं चाहती। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोटी का उपयोग। मौसी, सालू कहाँ है? पिंकी, सालू कुएं पर पानी भरने गई है। बैठो। नहीं मौसी, मैं उससे वहीं मिल लेती हूँ। अरे सालू, और कितना पानी भरना है? बस एक बाल्टी और। तू अपनी चोटी को कटवा कर मुझ जैसे बॉब कट बाल क्यों नहीं करवा लेती? क्योंकि चोटी मेरे बड़े काम की चीज है। तुम्हारी ये किस काम की है? अभी देखना। और फिर सालू ने अपने चोटी में तीसरी बाल्टी से भरे पानी को बांधकर अपने घर की तरफ चल दी। और पिंकी अवाक खड़ी उसे देखते ही रह गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऊंची कूद। पिंकी, देखो खेलों में कैसे कूदते हैं। और फिर वो लंबे डंडे के सहारे एक ऊंची छलांग लगाता है और सफलतापूर्वक नीचे आ जाता है। कहो कैसी रही? ये तो कुछ भी नहीं। चंपू, मैं तुमको इससे अच्छा कूद कर दिखाती हूं। पहले सर पर दौड़ लगाओ, फिर जितना हो सके ऊंचा उछलो। और छपाक, पिंकी कीचड़ से भरे छोटे से गड्ढे में जा गिरती है। पिंकी, तुम कुछ ज्यादा दूर कूद गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लॉटरी का इनाम। पिंकी, मुझे पड़ा हुआ यह कागज मिला है। घटकू, ये तो लॉटरी का टिकट है। वो क्या होता है? अगर तुम्हारी लॉटरी का पहला इनाम निकल आता है, तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। वे कितने होते हैं? उनसे 1 करोड़ टॉफियां खरीदी जा सकती है, जो कई दिनों तक खत्म नहीं होंगी। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। उनमें से मुझे कितनी दोगे? एक भी नहीं। कंजूस, कल मैंने अपने 2 लॉलीपॉप में से एक तुझे दी थी। तूने मुझे कंजूस कहा? अरे क्यों झगड़ रहे हो? इसने अपने 1 करोड़ टॉफियों में से आधी देने से इनकार कर दिया। लेकिन 1 करोड़ टॉफियां आएंगी कहाँ से इस लॉटरी के टिकट से, जब मेरा पहला इनाम निकलेगा? ये लॉटरी का टिकट पुराना है, इससे एक टॉफी भी नहीं खरीदी जा सकती। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कद्दूराम। कद्दूराम, इतना क्यों खा रहे हो? पेट फट जाएगा। मैं अपने पैसे का खाता हूँ, तुम्हें क्या इतराज है? यदि तू सारे फल खा जाएगा तो शहर में फलों का अकाल पड़ जाएगा। मैं इसलिए ज्यादा खाता हूँ ताकि मैं दुनिया का सबसे मोटा लड़का कहलाऊं। ये मोटापा तुझे किसी दिन ले डूबेगा मोटू। तेरी ये हिम्मत, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ने आ रहा हूं शैतान। ताक, ओह, मैंने कहा था ना कि मोटापा तुम्हें किसी दिन ले डूबेगा। और सचमुच ले डूबा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंकल जी का पौधा। आहा, आज नया फूल खिला है। अंकल जी, आओ पिंकी, हमारे पौधे में आज नया फूल खिला है। पिंकी, क्या तुम्हारे साथ और भी कोई आया है? सिर्फ एक बकरी। बकरी? हाय मेरा पौधा। तो
बालकनी में पौधा रख देता हूँ, यहाँ तक कोई बकरी नहीं पहुँच सकती। अंकल जी आओ पिंकी, आज तुम बेशक अपनी बकरी को बाहर खड़ा रहने दो, आज मैं अपने साथ बकरी नहीं ऊंट लाई हूँ। हाय मेरा पौधा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झपट जी। अब मैं निश्चिंत होकर गणतंत्र दिवस की परेड देखूंगा। झपट जी मर गए, ये मुसीबत कहाँ से अटपकी। झपट जी क्या मैं आपके टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देख लूँ, लेकिन और कोई ना आए। झपट जी ये विजयंता टैंक है पता है, और उसके पीछे राजपूताना राइफल्स के जवान हैं। ये एनसीसी के लड़कों की परेड है, देखो कितने दिलेर हैं। और ये है, अरे चुप नहीं रह सकती, और ये प्रदर्शन हमारे स्कूल के बच्चों का है। इस लड़की के साथ टीवी देखना मुश्किल है, झपट जी गए आओ और आराम से टीवी पर परेड देखो। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दौड़। टाइगर वो पिंकी जा रही है, जा उसको दौड़ लगवाओ, बड़ा मजा आएगा। भौं भौं, अरे बाप रे, भौं 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 भौं। टाइगर पिंकी उसके अंदर ही गई है, भौं भौं भौं। शाबाश, जरा इन्हें दूर तक खदेड़ आओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खिलौना। पिंकी ये प्लास्टिक का खिलौना कहाँ से लाई, ये खिलौना नहीं रंग की पिचकारी है, देखो इसे दबाने से रंग निकलता है, अब मैं दादाजी से होली खेलाऊं। दादाजी, बाप रे वो आ गई मुझे रंगने, मैं बेडरूम में छुप जाता हूँ, जब वो दफा हो जाएगी तब निकल आऊंगा। दादी, दादाजी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा चलती हूँ, उन्हें कहीं बाहर ढूंढती हूँ। चली गई, अब किसी का डर नहीं। तभी ओह होली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है आइसक्रीम। दो आइसक्रीम, एक ऑरेंज और एक मैंगो, घर जाकर आराम से दोनों आइसक्रीमों के मजे लूंगा। ओह पिंकी इधर आ रही है, यदि उसने देख लिया तो एक आइसक्रीम उसे देनी पड़ेगी। मैं किसी आइसक्रीम का मजा छोड़ नहीं सकता, क्यों ना मैं इन्हें छुपा लूं। चंपू तुम्हारे हाथ में क्या है। कुछ नहीं पिंकी, मेरे हाथ खाली हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में जरूर कुछ है। नहीं पिंकी, तुम तो शुरू से ही शक्की हो, देखो झूठ तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैंने कुत्ते को तुम्हारे पीछे लपड़ लपड़ करते देखकर समझा कि तुम्हारे हाथ में कोई खाने की चीज है। कुत्ता, ओ मेरी ऑरेंज और मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव की कहानी। दीदी क्या कर रही हो। पिंकी मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो। उत्तरी ध्रुव के बारे में। उत्तरी ध्रुव ये क्या होता है। ये पृथ्वी के दूर उत्तर में एक जगह का नाम है, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ 12 महीने बर्फीली हवाएं चलती रहती है, और सूर्य साल में केवल कुछ ही दिन निकलता है। अच्छा वहाँ के लोगों को एस्किमो कहते हैं, जो ठंड से बचने के लिए रेनेडियर की खाल के कपड़े साल भर पहने रहते हैं। वहाँ पर चारों तरफ जिधर नजरे दौड़ाओ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, नदियाँ भी जमकर बर्फ हो जाती है। एस्किमो लोगों के घर भी बर्फ के बने होते हैं, यहाँ तक कि यदि यदि उन्हें पानी पीने के लिए पानी चाहिए तो बर्फ को आग पर पिघलाएंगे। पिंकी पिंकी तुमने रजाई की ओढ़ ली, तुम्हारे बातें सुनकर मुझे ठंड लगने लग गई थी दीदी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रेडकू के दांत। चंपू ये कौन है। मेरा छोटा भाई रेडकू, ये बिल्कुल तुम्हारे नाना जी जैसा लगता है। मेरे नाना जी तो 100 साल के हैं, फिर उनके जैसा कैसे हुआ। तुम्हारे नाना जी के सिर पर बाल नहीं है, रिटको के भी नहीं है। तुम्हारे नाना जी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, रिटको के मुंह में भी नहीं है। हुआ कि नहीं रिटको, ना तुम्हारे नाना जी जैसा। इसके मुंह में दांत है नहीं है, है नहीं है। ठहरो मैं अभी इसके मुंह में टटोल कर देख लेती हूँ। उई हाँ है। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंकल जी का कुत्ता।
अरे कुत्ते को दरवाजे पर क्यों बांध रहे हो? मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और चाहता हूँ कि जब तक इसे खत्म ना कर लूँ कोई परेशान ना करे। और तो मुझे किसी की उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं पिंकी आकर मेरा भेजा ना खाना शुरू कर दे। इसलिए अगर पिंकी इधर आने की कोशिश करेगी तो कुत्ता उसे घर में घुसने नहीं देगा। अब मैं निश्चिंत होकर उपन्यास पढ़ता हूँ। अंकल जी, पिंकी तुम अंदर कैसे आई हो? दरवाजे से? क्या वहां कुत्ता नहीं बंधा था? बंधा था। जब तुम दरवाजे में घुसी तो वो तुम्हें काटने को नहीं दौड़ा? नहीं, क्योंकि मैंने उसे हड्डी डाल दी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न आर्ट। पेंटर चाचा, इस चित्र का शीर्षक क्या है? बाघ और बागर बिल्ला। लेकिन इसमें ना तो कहीं बाघ दिखाई देता है और ना बागर बिल्ला। ये मॉडर्न आर्ट है पिंकी, इसमें ऐसे ही पेंट किया जाता है। अच्छा पेंटर चाचा, मैं भी आज एक मॉडर्न आर्ट का चित्र बनाऊंगी, क्या तुम शाम को देखने आओगे? जरूर। शाम को? पिंकी क्या तुमने चित्र बना लिया? बिल्कुल। क्या शीर्षक रखा है? गंगा जमुना। वाह, सचमुच इतना लाजवाब चित्र! वाह, सचमुच इतना लाजवाब चित्र मैंने मॉडर्न आर्ट में पहले कभी नहीं देखा। पिंकी, तुमने आर्ट की शिक्षा तो ली नहीं, फिर इतना अच्छा चित्र कैसे बना लिया? मैं और भिक्खू एक चादर को इस तरह सड़क के बीचों बीच बिछा देते हैं, तब कोई कार उस चादर के ऊपर से टायरों के निशान बनाते हुए गुजर जाती है और मॉडर्न आर्ट तैयार हो गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कांटे का कमाल। पिंकी ये क्या ले आई? मम्मी, कांटा। बाहर झाड़ी में बहुत सारे कांटे लगे हैं, तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत उठा लाती है। घर में यह कांटा किसी को चुभ गया तो? चलो फेंको इसे बाहर। और पिंकी ने खिड़की के रास्ते इसे बाहर फेंक दिया और फिर वो कांटा कुर्सी पर जाकर के गिर जाती है। अंदर पिंकी परेशान करेगी, यहाँ बैठकर आराम से अखबार पढ़ता हूँ। और फिर दादाजी उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आई, मैंने तो इसे फेंक दिया था, फिर ये कांटा आपको कैसे चुभ गया दादाजी? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नानी का बचपन। नानी, तुम्हें अपने बचपन का कुछ याद है? पगली, बचपन को कौन भूल सकता है? तो कोई अपने बचपन के किस्से सुनाओ। तुमने मुझे वे दिन याद दिला दिए, बड़े अच्छे दिन थे वे। जब मैं तेरी उम्र की थी तो बड़ी नटखट थी, दिन भर उछलना कूदना एवं शरारते करना यही मेरा काम था। एक बार हम बच्चों ने भौंपू लेकर शेर की आवाज में दहाड़ना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर पास के बगीचे का चौकीदार डर कर भाग गया। हमने बगीचे के खूब अमरूद खाए। एक बार मैंने अपने पिताजी की जेब में मेंढक डाल दिया, जब दफ्तर में उन्होंने जेब से रुमाल निकाला तो मेंढक फुदक कर बाहर आ गया। पिंकी ये क्या है? टेप रिकॉर्डर। वो किस लिए? मैंने आपके सारे किस्से रिकॉर्ड कर दिए हैं, आप जब कभी मुझे शैतानियों के लिए डांटेंगी तो मैं आपको ये टेप रिकॉर्डर बजाकर सुना दिया करूंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गर्मा गर्म चाय। लो गर्मा गर्म चाय पी लो। उफ, बड़ी गर्म है, मुंह जल गया। इतनी जल्दी क्या है, फूंक मारकर धीरे धीरे पियो। तुम नहीं जानती, अगर पिंकी आ गई तो फिर मैं चाय नहीं पी सकूंगा। लो, शैतान का ख्याल करते ही शैतान हाजिर है। झपर्ची, शैतान कौन होता है? देखो ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे आराम से चाय पीने दो। मैं तो दूर खड़ी हूं, आप बेफिक्र होकर चाय पीजिए, अब मैं नहीं बोलूंगी। बस। ओह, कबक्त, चूहे ने चाय गिरा दी। ये तो मेरा प्लास्टिक का खिलौना है, हाथ से छूट गया था। अच्छा मैं चलूं? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बही खाता। अरे पिंकी, मैंने उसके 5 रुपए उधार के देने हैं। पैसे तो अपने पास है नहीं, भाग चलो, मैं चंपू से आज पैसे वसूल करके रहूंगी। अरे पिंकी, इसने तो मेरे 5 रुपए देने हैं। पैसा वसूल करने का यह अच्छा मौका है। चंपू, निकाल मेरे रुपए। पिंकी, मेरे 5 रुपए कब दोगी? अरे रपट, तुमने मुझसे 5 रुपए ले रखे हैं, निकाल। पिंकी, मैंने जो 5 रुपए तुमसे लेने हैं वे तुम चंपू को दे दो।
चंपू, मैंने जो तुमसे 5 रुपए लेने हैं वे चुकता हो गए हैं। ये लेन देन भी कितना अजीब है, बिना कुछ लिए दिए सबका कर्जा साफ हो गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फायदा नुकसान। दादाजी, बाप रे आ गई बला। मैं चला, पिंकी इधर आ रही है, तो उससे मिलने में हर्ज क्या है? तुम नहीं जानती, आज नए साल का पहला दिन है। वो जब भी मुझसे मिलती है कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। यदि आज कोई नुकसान हो गया तो साल भर नुकसान होते रहेंगे। आज उससे ना मिलना ही बेहतर है। मैं साथ वाले कमरे में छुप जाता हूँ, तुम उससे कह देना मैं घर में नहीं हूँ। दादी, दादाजी कहाँ हैं? काफी देर हो गई है, पिंकी अब चली गई होगी। पिंकी आई थी? हाँ, मैंने कह दिया तुम घर में नहीं हो। वो क्यों आई थी? तुम्हें नए साल की मिठाई खिलाने। फिर तुम्हारे हिस्से की मिठाई वो मुझे खिला गई। ओह, नए साल का पहला नुकसान। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पार्टी में ले चलो। मम्मी पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी में। मुझे भी ले चलो। नहीं, तू घर पर ही रहेगी। क्या खेलने के लिए पीछे से मैं बच्चों को घर पर ले आऊं? नहीं, बच्चों की धमा चौकड़ी से सारा घर उथल पुथल हो जाएगा। तो फिर पीछे से मैं चित्रकारी करूंगी? नहीं, तुम रंगों के धब्बे सारी दीवारों पर डाल दोगी। तो फिर मैं क्रिकेट खेलकर ही दिल बहला लूंगी? नहीं, तुम्हारी गेंद से खिड़कियों के शीशे और क्रॉकरी टूट जाएगी। अगर घर को सही सलामत रखना चाहती हो तो इस मुसीबत को साथ ही ले चलो। और फिर उसके मम्मी पापा पिंकी को साथ लेकर चल देते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, धाएं धाएं तड़ाक तड़ाक, धाएं धाएं, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो, नहीं तो तड़ाक। ओह पिंकी, तुमने मेरी जान बचाई, ये लो 10 रुपए का इनाम। इन पैसों का मैं क्या करूं? चलो एसीआर देखते हैं। और फिर पिंकी एसीआर पहुंचती है। धाएं हैं, एक और बदमाश। तड़ाक, तुमने ये क्या किया? वो तो निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुराना रेडियो। ओ, मैं तो परेशान हो गया। अंकल जी, आप क्यों परेशान हैं? धर, मैं अपने इस पुराने रेडियो की बेसुरी ढर ढर की आवाज खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही। अंकल जी, रेडियो की ढर ढर मैं बंद कर सकती हूँ। सच पिंकी, अगर तू कर देगी तो मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। धर, आप आराम करो। धर, अरे रेडियो की ढर ढर बंद हो गई। पिंकी, तुमने कमाल कर दिया, लेकिन ये ढर ढर तुमने बंद कैसे की? उस कूड़े में फेंक कर। तो चलिए इसी के साथ ये कॉमिक्स यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।